हाय फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा सभी के साथ में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रश्मि सचान और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और मेरा कोई भी वीडियो आपको अच्छा लगा करे, पसंद आया करे, तो उसे सभी के साथ शेयर कर दिया करिए, जैसे अपने फ्रेंड्स और अपने कॉन्टैक्ट के साथ में। और साथ ही साथ अपने कमेंट जरूर छोड़ा करें मेरे वीडियो में कि आपको रेसिपी कैसी लगी, या अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं कुछ चेंज कर सकती हूँ या मुझे कुछ भी इसमें एडिटिंग करनी चाहिए थी, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बनाएंगे गट्टे। उसके लिए हमें बेसन की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के लगभग बेसन लिया है। एक बड़े बर्तन में आपको अच्छी तरह से छान लेना है, यानी कि एक जो मीडियम साइज कटोरी होती है, एक कटोरी बेसन लिया है। उसमें 3 छोटे चम्मच दही डालना है हमने, ज़्यादा खट्टा दही नहीं, एकदम ताज़ा दही होगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके बाद हम इसमें 2 चुटकी अजवाइन डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक थोड़ा सा, 1/4 चम्मच, और बहुत थोड़ा सा सोडा डालेंगे, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। हल्दी डालेंगे बहुत थोड़ी सी, कलर के लिए, क्योंकि बेसन की है रेसिपी। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे इसमें अच्छे से, चटपटे और तीखे गट्टे के लिए। और हल्दी डालने से बहुत ही अच्छा कलर आता है गट्टों में। और सोडा डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, 2 पिंच आपको सोडा डालना है। इसके बाद हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो पानी का इस्तेमाल आप सोच समझ कर कीजिएगा। अगर 2 कटोरी बेसन ले रहे हैं तो कम से कम 6 चम्मच आपको दही लेना है। यही चम्मच नॉर्मल जिससे हम खाना खाते हैं, उस चम्मच का मैं बता रही हूँ मेजरमेंट आपको। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून तेल डाल रही हूँ, रिफाइंड का तेल है ये। आप कोई दूसरा भी तेल यहाँ पर ले सकते हैं, घी ले सकते हैं। इससे हमारे जो गट्टे हैं उनको मोयन मिलेगा और गट्टे आपके जो हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। साथ ही साथ हमने दही डाला है, तो दही भी यही काम करता है, बेस और बेकिंग सोडा, साथ ही साथ हमारा तेल। इस तरह से बनाने पर गट्टे एकदम रुई की तरह मुलायम गट्टे बनते हैं। तो आप ये प्लीज़ गट्टे की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह से आपके गट्टे कभी भी सख्त नहीं बनेंगे। सभी चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं, और आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, हमने तेल डाला हुआ था, बेसन डाला हुआ था, तो हमें पानी की तो ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। मैंने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला है, क्योंकि बेसन को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, और हमें एक सॉफ्ट आटा की तरह इसको गूंदना है। तो अभी देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया है, तो मैं एक बड़े बर्तन में, किसी ट्रे में, किसी प्लेट में आप इसको निकाल लीजिए बैटर, और अब इसे अभी 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल लेते हैं, गूंद लेते हैं, जिससे कि सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और जो हमारा आटा है वो, यानी कि जो डो है बेसन का, वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। आपके हाथों में ये चिपक रहा होगा तो आप हाथ में 3-4 बूंद या थोड़ा सा आप तेल डालकर इस तरह से गूंदेंगे, तो देख रहे हैं मेरे हाथों में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। साथ ही साथ हमारा कितना अच्छा चिकना मुलायम डो बनकर तैयार हुआ है। डो बिल्कुल आपको टाइट नहीं रखना है, हल्का सा गीला ही रखना है, यानी कि मुलायम, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसके बाद आप इसके लंबे लंबे रोल बना लीजिए, जितने बड़े जितने छोटे बनाना चाहें, और जैसा आप साइज़ देख रहे हैं वीडियो में, आपको इतने ही मोटे और इसी तरह के आपको गट्टे बनाने हैं। हालांकि आप इसको लंबा छोटा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, बट मोटाई आपको यही रखनी है। तो इसमें मेरे पास 2 रोल बनकर तैयार हो रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े रोल बने हैं। अगर आपको ज़्यादा बड़े लग रहे हो, आप इन्हें बीच से काट भी सकते हैं। तो ये मेरे पास 2 रोल रेडी हो चुके हैं। अब हम एक साइड पे पानी उबलने के लिए रख देंगे भगोने में, किसी बड़े मुँह वाले बर्तन में या किसी कढ़ाई में पानी उबलने देंगे। उबलते हुए पानी में हम ये गट्टे डाल देंगे, और इसके बाद हम इन्हें 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। हमने इन्हें डायरेक्ट पानी में डाला है, आपको भाप में नहीं पकाना है। आप ये गट्टे की रेसिपी इस तरह से बनाकर देखिएगा, देख रहे हैं ना पानी उबल रहा है, जब गट्टे पक जाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे। साथ ही साथ आपको टाइम भी नोट करना है, 10 से 12 मिनट मीडियम फ्लेम पर, और इसके बाद हम इनको निकाल लेंगे दूसरी तरफ ट्रे में और ठंडा होने देंगे। तो गट्टे हो गए हैं ठंडे, अब हम इन्हें काट लेते हैं। तो आधा आधा इंच मोटे टुकड़ों में आपको गट्टे काट लेने, देख रहे हैं गट्टे इतने मुलायम हैं, इतने सॉफ्ट हैं कि आपको चाकू काटने पर पता चल रहा होगा, जब मैं काट रही हूँ ये बहुत आसानी से कट जा रहे हैं। इसके बाद हम जब इन्हें आगे और भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही मुलायम गट्टे बनकर तैयार होंगे। तो गट्टे काट लिए हैं, अब दूसरी तरफ हम फिर से गैस ऑन करते हैं और एक कढ़ाई रखते हैं। आप कोई पैन भी ले सकते हैं। कढ़ाई में हम 2 चम्मच डालेंगे घी, यहाँ पर घी डालिएगा, गट्टों के साथ में घी बहुत अच्छा लगता है, तो 2 चम्मच घी डालेंगे। और इसमें हम शैलो फ्राई करेंगे अपने गट्टों को, तो हींग के साथ करेंगे, हींग और घी के साथ में, हींग बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी गट्टे को। आप नॉनस्टिक पैन या नॉनस्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा ये गट्टे बनाने में। ये कढ़ाई नॉनस्टिक नहीं है, ये इसलिए गट्टे हल्के से चिपकेंगे। अब मैं क्या करूँगी कि मीडियम टू स्लो फ्लेम में
इन्हें 2 मिनट गट्टों को इसी तरह से धीमी आंच पर चलाऊंगी, शैलो फ्राई करूंगी। ऐसा करने से जो गट्टे हैं वो अच्छी तरह से पक जाएंगे, साथ ही साथ हींग का फ्लेवर आएगा, घी का फ्लेवर आएगा और गट्टे बहुत ज़्यादा मुलायम होंगे। गट्टे यहीं पर आने के बाद मुलायम होंगे, इसी स्टेज के बाद में गट्टे मुलायम होंगे, इसलिए ये स्टेप करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट उबालने के बाद काट देंगे तो आपके गट्टे पत्थर जैसे बने रहेंगे, तो आपको ये प्रोसेस करना है, गट्टे बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो जाएंगे। तो अभी जैसे ही गट्टे फ्राई हो गए हैं तो इन्हें हम 2 मिनट के लिए कर लिया, एक साइड पे निकाल के रख लेते हैं। वापस इसी कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून डाल रहे हैं तेल रिफाइंड का, और इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो जीरो जीरो को हमें चटका लेना है। और इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जैसे 2-3 टुकड़ा दालचीनी और 4 से 5 लौंग और 2 हरी इलायची, 1 मोटी इलायची, क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं तो ये सब चीज़ें डालेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये सेम कढ़ाई इसलिए इस्तेमाल की है क्योंकि ये जो नीचे गट्टे का लग गया है बेसन, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर करेगा हमारे जो पुलाव को। इसमें हम 1 मीडियम साइज़ का पतला लंबा कटा हुआ प्याज डालेंगे और 3 से 4 हरी मिर्च को स्लिट करके बीच से काट कर हम डाल देंगे। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, और हाँ, साथ ही साथ आप इसमें अगर प्याज ज़्यादा डालेंगे तो ये ज़्यादा स्वाद आएगा आपके इस पुलाव में। और नमक डाल दिया है हल्का सा मैंने, बिल्कुल इसको अपने प्याज को सीजन करने के लिए। और प्याज को ज़्यादा पकाना है नहीं, जैसा कि आप जानते हैं पुलाव में प्याज एकदम कच्चा कच्चा थोड़ा अच्छा लगता है, तो हल्का सा गुलाबी ही करना है आपको प्याज को। इसके तुरंत बाद ही हम इसमें गट्टे मिक्स कर देंगे, जिससे कि जो प्याज का फ्लेवर है वो गट्टे में भी आ जाए। और 1 मिनट के लिए गट्टे के साथ हम गट्टे को प्याज के साथ पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला। पुलाव है तो गरम मसाला डालेंगे, अच्छा लगेगा। आप कोई दूसरा मसाला भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें उबाले हुए राइस डाल देंगे। ये पूरी तरह से बॉइल्ड राइस हैं, आप बासमती राइस, ये रेगुलर बासमती राइस है इसलिए इसका जो दाना होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है। कोई भी पुराना चावल है उसको बनाकर ले लीजिए। आप रात के बचे हुए चावलों का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, रात के बचे हुए चावल के साथ भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस को धीमा कर लेंगे। चावल डालने के बाद गैस को धीमा कर लेना है, और जैसा कि अब मिक्स ही करना है तो अच्छी तरह से मिक्स करना है। साथ ही साथ इसके बाद जो ज़रूरी स्टेप है आपको वो ये है कि हमें अब अपने चावल में गट्टे का फ्लेवर देना है, तो वो हम कैसे देंगे। और साथ ही साथ हमारे चावल पूरी तरह से पके हुए हैं, हम इसमें पानी भी नहीं डालेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में हम इसको मिला देंगे। इसके बाद गैस को कर देंगे बंद और 10 मिनट तक ऐसे ही रखा रहने देंगे, जिससे कि जो गट्टे का फ्लेवर है वो चावल में आ जाएगा। और इसके बाद हम 10 मिनट बाद ही खोलेंगे। जब आप खोलेंगे तो देखेंगे कि पुलाव में गट्टे का फ्लेवर पूरी तरह से आ चुका है। नमक आपको यहाँ एडजस्ट करना है अपने टेस्ट के हिसाब से। तो पुलाव आपका तैयार हो चुका है, 10 मिनट बाद आप इसे मिक्स करिए। इसके बाद इसे सर्व करिए किसी भी अच्छे से बूंदी का रायता, दही, मसाला दही, चटनी, मसाला छाछ, किसी भी चीज़ के साथ में जिसके साथ आप खाना पसंद करते हो। आपका ये मारवाड़ी गट्टा पुलाव एकदम रेडी हो चुका है। सो इस पुलाव में कुछ नहीं है, लेकिन गट्टा बनाना एक टेक्निक है, और गट्टे अच्छे नहीं होंगे तो पुलाव अच्छा नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा अपने घर पे। ये रेसिपी देखकर मज़ा आया हो तो इसे लाइक करिए, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।